हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, और इस वीडियो में हम इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ लोकल सर्च एल्गोरिथम, मतलब इसको अपनी लोकल डोमेन की नॉलेज है, पूरी ग्लोबल डोमेन की, पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम की कोई भी नॉलेज इसको नहीं होती। दूसरा, ग्रीडी अप्रोच, जब तक इसको बेस्ट मूव मिलती है तब तक ये चलता जा रहा है, बेस्ट मूव मिलनी बंद हो गई तो ये वहां पे स्टॉप कर जाएगा। थर्ड, नो बैक ट्रैकिंग, मतलब अगर इसको बेस्ट मूव नहीं मिल रही तो ये बैक ट्रैक नहीं कर सकता। इसको हम आगे जाके एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो यहां पे इसका सिंपल सा एल्गोरिथम है, जस्ट वी आर स्टार्टिंग विद द इनिशियल स्टेट। कोई भी प्रॉब्लम हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, जब तक हमें सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू ऑपरेटर मतलब न्यू नोड फाइंड करते जा रहे हैं। जैसे अगर हमने यहां पे सिंपल से एग्जांपल से देखें तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है, उसके आगे मेरे पास लेट से तीन स्टेट्स हैं, मतलब तीन इसकी ब्रांचेस हैं। अब इन तीन ब्रांचेस में से इसने जो है वो बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक वैल्यू, बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर ह्यूरिस्टिक, हमने क्या किया, तीनों में से बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। इसमें बीम विड्थ क्या होती है, वन। बीम विड्थ वन का मतलब है कि इन तीनों में से जो भी बेस्ट है ये सिर्फ उसको आगे एक्सप्लोर करेगा, बाकियों को भूल जाएगा। मतलब इनको ना तो हम मेमोरी में सेव कर रहे हैं, इनमें से बेस्ट ये था तो आगे हम इसको एक्सप्लोर किया। अब लेट्स से ये तीन प्रॉब्लम है आगे, मतलब ये तीन आगे जाके ब्रांचेस हैं। अब इन तीनों में से लेट्स से अगर ये बेस्ट है तो इसको आगे एक्सप्लोर करेगा, इसको आप भूल जाओ। तो ये सिंपल सा फंडा है किसका, सिंपल हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम का। तो ये लाइन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ द स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट। मतलब आप चलते जा रहे हो, जब तक आपको बेटर स्टेट मिलती जा रही है तब तक आप आगे चलते जाओ। बेटर स्टेट मिलनी बंद हो गई तो अब वहां से आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। ये सिंपल से तरीके से काम करता है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है, हिल क्लाइंबिंग। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है यहां पे, कि आप जो है सिंपल पहाड़ चढ़ते जा रहे हो लेकिन ब्लाइंड फोल्डेड। अब ब्लाइंड फोल्डेड मतलब आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, तो उसमें हमारे पास बेस्ट मूव क्या है कि जब तक आप ऊंचाई पे जाते जा रहे हो, जब तक आप ऊपर चढ़ते जा रहे हो तब तक तो आप चलते जाओगे। अगर आपको बीच में कहीं पे लगे कि यार आपका पैर नीचे की तरफ जा रहा है तो वहां पे आप नहीं जाओगे। तो जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है आप बेस्ट मूव जो है वो फॉलो करते रहो, एक पॉइंट पे जाके आपका जो है वो पैर स्टेबल हो जाएगा। मतलब ना तो वहां पे नीचाई ना वहां पे ऊपर की तरफ आप जा सकते हो, तो वहां पे जाके आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो वो आपके लिए क्या बन गया, बेस्ट पाथ बन गया। तो यहां पे आपने इस पाथ तक गए तो आपने यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव कर ली। ऑल्दो यहां पे प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हम यहां पे आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये एग्जांपल मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जस्ट टू सेव द टाइम। लेट्स से कि मेरे पास यहां पे प्रॉब्लम है, ये स्टार्टिंग है और ये गोल स्टेट है। अब स्टार्टिंग स्टेट से मेरे पास ये तीन ऑप्शन है, मैं इन तीनों में से कोई भी आगे मूव कर सकता हूं, लेकिन अब मेरे को मैंने क्या चेक करना है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू। अब मैंने ह्यूरिस्टिक वैल्यू चेक की तो इस स्टेट की ह्यूरिस्टिक है 4, इसकी 5, इसकी 6, तो मैंने करना क्या है, मैंने एक चूज करनी है बेस्ट, मतलब इन तीनों में से करंट स्टेट कौन सी है मेरी, ये तो करंट स्टेट से बेटर कौन सी है, ये लाइन, सिर्फ आपको बस ये लाइन पे फोकस करना है। इफ द स्टेट इज बेटर देन द करंट स्टेट, तो देखो इन तीनों में से बेटर कौन सी है, ये बेटर है नहीं, ये तो बराबर वैल्यू है, बेटर है नहीं, ये तो और ज्यादा बढ़ गई ह्यूरिस्टिक वैल्यू, हमें कम चाहिए, मतलब कॉस्ट, हमें कम से कम कॉस्ट में हमने गोल स्टेट पे पहुंचना है, तो बेटर स्टेट कौन सी है, ये वाली, तो ये काम मूव करेगा इस तरफ, तो इसको ये भूल जाएगा, ना तो हम इसको मेमोरी में सेव कर रहे हैं कुछ नहीं। अब हम आगे जाएंगे, अब इसमें से आगे हम फिर सर्च करेंगे, तो इस तरीके से जो है वो मूव करता जा रहा है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम्स क्या आ रही है हिल क्लाइंबिंग में, प्रॉब्लम्स आ रही है लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो, क्योंकि आपको लोकल डोमेन की नॉलेज है, तो ब्लाइंड फोल्डेड अगर आप नहीं होते तब तो आपको पूरी डोमेन की नॉलेज हो जाएगी, कि आपको पता लगेगा कि अच्छा ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, इस पहाड़ पे चढ़ना, आपको पूरा दिखेगा व्यू। लेकिन यहां पे आपको पूरा व्यू नहीं दिख रहा क्योंकि आप लोकल सर्च पे काम कर रहे हो, तो लोकल डोमेन में क्या है, आप ब्लाइंड फोल्डेड चढ़ते जा रहे हो, पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, आपकी बेस्ट मूव क्या है, बेस्ट मूव है कि जब तक आपका पैर ऊपर की तरफ जाता जा रहा है वो आपकी बेस्ट मूव है। तो एक पॉइंट पे जाके
स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाओगे, तो वहां पे जाके आपका ना तो पैर ऊपर की तरफ है ना नीचे की तरफ है, तब आपको क्या लगेगा कि मैंने गोल स्टेट अचीव कर ली, मतलब मैंने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। तो जैसे ही आपने पट्टी उतारी तो आपको लगेगा वाओ मैंने तो मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली, लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैन बी व्हाट कि देर इज अनदर हिल, देर इज अनदर हिल जिसकी ऊंचाई जो है वो जिसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है, जो आपको यहां पे डायग्राम में दिख रही है, लेकिन अब आप इसको नहीं अचीव कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तब तक काम करता है जब तक आपको करंट स्टेट से बेटर स्टेट मिलती है। तो आपको ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू यहां पे अचीव हो गई, तो अब आप मिनिमम की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि यहां पे जाने के लिए आपको पहले मिनिमम पे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे ये नहीं जाएगा। तो ऑल्दो ये हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम अगर हमने सॉल्व करनी है या एट क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कई प्रॉब्लम्स में अच्छा काम करता है, क्योंकि यहां पे स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम है। हम सारी स्टेट्स को मेमोरी में नहीं रख रहे, हम सिर्फ जो बेस्ट स्टेट है उसको मेमोरी में रख रहे हैं, बाकियों को हटा रहे हैं। तो जब तक बेस्ट आपको मिलता जा रहा है तब तक तो गुड है। तो यानी ये पूरी वैल्यू डिपेंड करती है ह्यूरिस्टिक के ऊपर। अगर आपको ह्यूरिस्टिक अच्छा मिलता जा रहा है तब तो आप मूव करते जाओ, लेकिन यहां पे लोकल मैक्सिमम मतलब आपने मैक्सिमम अचीव कर लिया, लेकिन क्या वो ग्लोबली मैक्सिमम है? नहीं, ग्लोबली मैक्सिमम तो ये है, तो ये आपका अचीव नहीं होगा। तो ये फंडा है किसका, ये आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम मैंने यहां पे भी आपको यहां पे दिखाई है। ये प्रॉब्लम जो है, ऑल्दो ये थ्योरेटिकल ही पार्ट है, लेकिन यहां पे मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं कि लोकल मैक्सिमम का मतलब क्या है, कि आपने 5 स्टेट से स्टार्ट किया, आपकी ह्यूरिस्टिक है 5, करंट स्टेट में वैल्यू कितनी है 5, तो आपको इससे बढ़िया वैल्यू चाहिए, मतलब आप ऑब्वियसली बढ़िया वैल्यू का मतलब है कम ह्यूरिस्टिक में कम कॉस्ट में पहुंचना चाहोगे, तो आप 4, 5, 6 में से किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली 4 वाली वैल्यू को चूज करोगे। तो आपने इसको हटा दिया, मेमोरी में कोई सेव नहीं किया, इसको भी मेमोरी में सेव नहीं करते, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी बेटर होगी, क्योंकि हम सिर्फ एक बेस्ट मूव की तरफ चलते जा रहे हैं। अब लेट्स से इसको आगे आपने एक्सप्लोर किया, जब इस स्टेट को एक्सप्लोर किया, अब करंट स्टेट आपकी 4, तो करंट स्टेट इस पे जब आपने नेक्स्ट स्टेट को एक्सप्लोर किया तो अरे ये तो 5 पे लेके जा रहा है, मतलब ह्यूरिस्टिक आपकी बढ़ गई। तो मेरा क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, एल्गोरिथम कह रहा है इफ इट इज बेटर देन द करंट स्टेट देन इट इज अ न्यू करंट स्टेट। तो यहां पे न्यू करंट स्टेट तो बनेगी नहीं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू बढ़ गई, तो ये यहीं पे क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम। देन प्लेट्यू या जिसको बोलते हैं फ्लैट मैक्सिमम, ये वर्ड्स एक्चुअल में ना हिल क्लाइंबिंग के ऊपर ही है। हिल क्लाइंबिंग का मतलब क्या है कि जब आप चढ़ते जा रहे हो तो एक फ्लैट पॉइंट आपको मिल गया। फ्लैट पॉइंट का मतलब है कि जहां पे आपके जो नेबर्स हैं, मतलब जितने भी आपके नेबर्स हैं उन सारे नेबर्स की वैल्यू जो है, लेट्स से सबकी वैल्यू सेम है 5, 5, 5। अब इस पॉइंट पे आप किसको चूज करोगे, जब सारे ही आपको सेम ह्यूरिस्टिक वैल्यू दे रहे हैं तो आप उनमें से किसको चूज करोगे? तो अब भी ये क्या है, आगे आंसर नहीं देता, मतलब यहां पे भी ये क्या कर जाता है, स्टॉप कर जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है किसकी, प्लेट्यू या फ्लैट मैक्सिमम प्रॉब्लम इन द हिल क्लाइंबिंग। और थर्ड है रिज। रिज का मतलब क्या है, जब आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे यहां पे आपको ये डायग्राम में 3D डायग्राम में क्लियरली दिखेगा, लेट्स से कि आप एक डायरेक्शन में मूव करते जा रहे हो, मतलब यहां पे आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, जब तक आपको बेस्ट मूव मिलती है। और बेस्ट मूव मतलब क्या है कि जब तक आपका पैर जो है वो आगे की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ है, वो आपकी बेस्ट है। इसका मतलब आप पहाड़ चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, एक पॉइंट पे जाके आप पहुंच गए, तो यहां पे जाके आपने अपनी पट्टी उतार दी, मतलब मैं मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अब इसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होगी, तो वहां पे तो आप जाओगे नहीं। लेकिन रिज का मतलब क्या है, रिज मतलब कि ये जो ए और बी के है ना, ये बी ए से भी ऊपर है। अब ये बी जो है वो ए से ऊपर है, लेकिन अभी यहां पे पहुंच के ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एक डायरेक्शन में ही मूव करता जा रहा है। तो ऑल्दो यहां पे बी पॉइंट इससे ऊपर है, लेकिन उसके ऊपर आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ही क्या करता जा रहा है, मूव करता जा रहा है। ऑल्दो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लोकल मैक्सिमम ओनली। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग प्रॉब्लम, दिस इज एल्गोरिथम। ये आपको मैंने एग्जाम्पल से यहाँ पे क्लियर कर दिया कि लोकल मैक्सिमम की प्रॉब्लम होती क्या है और कैसे हम एक्चुअल में इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो जो हमने बीम सर्च डिस्कस किया, बीम सर्च में जो बीटा की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 मल्टीपल हो सकती है, लेकिन हिल क्लाइंबिंग में बीटा की वैल्यू 1, मतलब आपको सिर्फ एक बेस्ट मूव पे चलना है, बाकियों को भूल जाओ, बाकियों को आप सिंपली स्किप करते जाओ। तो लेट्स से एक पॉइंट पे जाके अब आप स्टॉप कर जाओगे, अब आपको पता है
कि यार ये मेरे को आगे बेस्ट लेके नहीं जा रहा तो मैं पीछे जाऊं, लेकिन पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि यहां पे बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। थैंक यू।